Hyderabad International School, CBSC plus exceed syllabus which is followed in 8 countries. Modern plus Islamic education, 5-step activity based and play way method. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है 18 तेलंगाना न्यूज़ पर। मोहम्मद शब्बीर जो अपनी जान पे खेलकर एक औरत को बचाने के लिए टैनबर्न में छलांग लगाए और वो औरत को बाहर निकाला, वो औरत को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। मोहम्मद शब्बीर ने एक इंसानियत के लिए मिसाल कायम करी, जबकि वहाँ बहुत सारे लोग और पुलिस मौजूद थे, फिर भी हिम्मत जुटाए, किसी ना किसी की जान बचाने के लिए शब्बीर ने छलांग लगाई। हमारे नुमाइंदे सीनियर रिपोर्टर इमरान खान ने मोहम्मद शब्बीर के साथ बात की, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट कैमरामैन मोहम्मद शौकत के साथ। अस्सलाम वालेकुम, 18 तेलंगाना न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम करते हैं। नाजरीन, अभी हम आपको ऐसे शख्स से मिलाना चाह रहे हैं कि वो अपनी जान की बाजी लगाकर एक लड़की को बचाने की पूरी कोशिश की मगर नाकाम हो गई बची। अब बात करते हैं वो आदमी से जो जिन्होंने टैंगवाड़ में छलांग लगाकर वो लड़की को बचाने की कोशिश की। उन्होंने है मुकामी नामपली के रहने वाले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं भाई यहाँ से आ रहा था, मैं सिकंदराबाद से आ रहा था, लोग ठहरे हुए थे टैंगवाड़ के पास, टैंगमण के बाद लोग ठहरे हुए थे, पब्लिक ठहरी हुई थी, मैं भी गाड़ी पे आते आते देखते रुका, दो लेडी कांस्टेबल थे, उन लोग बोले कोई है तो उतर के बचाओ, बल्कि बोले तो कोई हिम्मत नहीं कर रहे थे, मैं हिम्मत करके आगे बढ़ के जाके ठहर के वो बच्ची के बाल पकड़ के खींच के लेके आया था, बच्ची का डेथ हो गया। मैं इंसानियत का ये सबूत देता हूँ कि भाई हमारे उसमें कोई भी अच्छा करने के लिए सोचते, बुरा हो रहा तो बुरे की जगह नहीं जाते, अच्छा करेंगे उसके वास्ते बल्कि सोचते। कोई बच्चा मत, आपको डर नहीं लगा पानी में जब फूटे? नहीं लगा डर मेरे को, क्यों बोले तो कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल मेरे को बोले उतरो, बोले तो उतरा, नहीं तो नहीं उतरता था वरना मैं समझ। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शफी। आप कहाँ के रहने वाले सर? मैं नामपल्ली बाजार घाट। ओके, थैंक यू वेरी मच। अलग रहे थे दोनों भी, अलग रहे थे हस्बैंड वाइफ, अलग रहते रहते दोनों में भाई गए थे, एक साल पहले छोड़े तो दोनों भी उनकी जगह पे उनकी जगह पे डिवाइड नहीं होगा, तो इसके बाद रूम ले लिए, एक साल से अलग थे। फिर एक्चुअली फिर भी आया तो सार हमारी फ्रेंड को फोन आया तो ऐसा तुम्हारी फ्रेंड ने सब तालाब में गिर बता, फिर मैं भाग के आया थे तो क्या सार रूम पी एस के पी अपने नीली रोड के पी एस के आए थे सार थे यहाँ सही मैं डिटेल क्या है बोले बताते उनको भी बोला, तो प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है उनके हिसाब से उनका लियर से है, तो भी उनके पीछे किसी का हाथ है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कोई तकलीफ वगैरह कुछ भी नहीं, उनकी ज़िंदगी में हो गए थे अलग, उनकी मतलब उनकी पसंद से शादी कर लिया था, फिर उनके एक साल के 5 साल हो गई थी शादी हो गई, 2016 में हुई थी, 5 साल के बाद ये था कर लिया। आप क्या है उनके? मैं भाई उनका। तो आपको कब मालूम हुआ ये? मेरे को मालूम हो गया 1 घंटा रखा। तो उनके वजूहत पीछे कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं। कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले? जी मैं राजभवन में मखते का रहने वाला। भाई मैं आपके? दोनों भी मखते में रहने वाले। उनके बच्चे अच्छे हैं क्या? हाँ एक बेटा है 4 साल। उनके हस्बैंड क्या करते हैं? उनके हस्बैंड कलर का काम करते हैं। कलर का काम है तो उनको मालूम आते हैं जी? उनको मालूम हुआ अभी? अभी उनको मालूम नहीं करे, फोन करके बोलने वाले। आखिरी बार